हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के नजदीक नेशनल हाईवे पर उतर सकेंगे लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, नेशनल हाईवे पर बनी देश की पहली ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप जिसका राजनाथ सिंह गडकरी करने वाले हैं उद्घाटन, दिखाएंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान के बिल्कुल सटा हुआ है और क्या सोचकर बनाया गया है दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हम आपको साथ ही बताएंगे। जहां पर सरकार है या आतंकियों का गैंग, अफगानी सत्ता में बैठे यूएनएससी की लिस्ट में शामिल 14 खूंखार दहशत गर्द आतंकवादी। जी हां दोस्तों, बताएंगे कौन क्या बना है। साथ ही आपको बताएंगे, जहां पर भारतीय केंद्र सरकार ने बड़े रक्षा समझौते को दे दिया मंजूरी, जिसमें वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 56C295MW विमान। जी हां दोस्तों, है इसकी खासियत और कितना है इसका बजट, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर अशरफ गनी ने बताया क्यों और कैसे अफगानिस्तान से भागे हैं दोस्तों, और पैसे ले जाने वाले बात को लेकर भी इन्होंने बड़ी जानकारी दी है दोस्तों, बताएंगे इतने दिनों बाद आखिर इन्होंने अब जाके मुंह क्यों खोला है दोस्तों। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर तालिबान के जरिए अपना हित साधने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, जो बाइडेन ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानियों के सरकार बनते ही बताएंगे और क्या क्या कहा इन्होंने और कैसी चेतावनी दी गई है दोस्तों जो बाइडेन की तरफ से, हर तरह की जिक्र और खबरें बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार बनते ही पंजशीर के शेरों ने कौन सी बातें कही है दोस्तों, अहमद मसूद ने खासकर क्या कहा है इन अफगानी सरकारों को लेकर, बताएंगे आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अफगान के नए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिना पढ़े लिखे मैं इस बड़े पोस्ट पर पहुंच गया हूं, पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला। जी हां दोस्तों, बताएंगे ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री बने हैं दोस्तों अफगानिस्तान में। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी से बड़ा ही भीषण हादसे की खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर 120 यात्रियों से भरी दो नावों में टक्कर हो गई, जिसके बाद कई लोग लापता हो गए हैं दोस्तों, इसकी बड़ी खबर आ रही है। जहां पर खुद मोदी जी ने भी इसको लेकर दुख जताया है दोस्तों, दिखाएंगे उनके ट्वीट को। साथ ही बच्चों के स्कूल को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है दोस्तों, साथ ही हर तरह की खबर आज आपको बताने वाले हैं, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य बल क्षमता और पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से सटे बाड़मेर में नेशनल हवाई पर उतरेंगे अब लड़ाकू विमान। NH पर बनी देश की पहली ऐसी लैंडिंग स्ट्रिप जिसका राजनाथ सिंह और गडकरी करेंगे उद्घाटन, बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है। जहां भारतीय वायुसेना के एक विमान में दोनों मंत्री बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर कृत्रिम आपातकालीन लैंडिंग करेंगे दोस्तों। NH 925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। बुधवार को वायुसेना के लड़ाकू विमान इस लैंडिंग पट्टी पर इमरजेंसी लैंडिंग भी किया है दोस्तों, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन स्थिति में विमान उतारने के वास्ते NH 925A के सट्टा गंधव सेक्शन के 3 किलोमीटर के हिस्से पर इस आपातकालीन पट्टी का निर्माण किया है दोस्तों। आपको बता दें, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से यह सटा हुआ बिल्कुल सीमा के नजदीक है दोस्तों, इसका अपना ही एक महत्वपूर्ण रणनीतिक है। बता दें आपको, बयान में कहा गया है कि यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाड़मेर और जालौर जिले के गांव के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इसके पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित होने से भारतीय सेना को निगरानी करने में मदद के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी दोस्तों। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल आपात स्थिति में विमान उतारने के लिए किया जाएगा दोस्तों। और अब पाकिस्तानी हो चाहे चाइनीज हो दोस्तों, किसी को नहीं बख्शने वाला भारत, क्योंकि डिफेंस सिस्टम पे इतना ज्यादा मोदी सरकार की तरफ से पैसा खर्च किया जा रहा है दोस्तों, और अपने डिफेंस को इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है जैसा पहले कभी नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार का लोहा है, तो आप भी
कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और मोदी सरकार को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है बताइएगा जरूर। साथ ही अगली बार आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं दोस्तों अगले चुनाव में बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो सरकार है या आतंकियों का गैंग, अफगानी सत्ता में बैठे यूएनएससी की लिस्ट में शामिल 14 खूंखार दहशतगर्द आतंकवादी। बता दें अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान तो हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि इसे सरकार कहा जाए आतंकियों का गैंग। तालिबान की अंतरिम सरकार के कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकी काली सूची में नामित है। इनमें प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद, उनके दोनों डेप्यूटी और गृह मंत्री शामिल है। उनके इतिहास को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की और भी चिंता बढ़ गई है दोस्तों। इनमें सबसे खूंखार है वैश्विक आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी, जिसके सिर पर अमेरिका ने 10 मिलियन डॉलर का इकॉनमी अमाउंट घोषित कर रखा है दोस्तों। सिराजुद्दीन को गृह मंत्री बनाया गया है तो उसके चाचा खलील हक्कानी को शरणार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब, विदेश मंत्री मुल्ला अमीर खान मुत्ताकी और उसके डेप्यूटी शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनजई सभी यूएनएसपी 1988 प्रतिबंध समिति की लिस्ट में है दोस्तों, जिसे तालिबान प्रतिबंध समिति के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की अंतरिम सरकार के कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काली सूची में है दोस्तों। ऐसे में हमें या आप सभी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिरकार सबको ये पता होते हुए कि ये सभी ब्लैक लिस्टेड आतंकवादी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, फिर भी उनको एज अ गवर्नमेंट एज अ सरकार कैसे घोषित कर सकती है दोस्तों। अन्य देश के लोग, अन्य देश की सेनाएं क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग बताइएगा जरूर दोस्तों। क्योंकि सब कुछ देख रहा है यूनाइटेड नेशन, फिर भी आंख पर उसने पट्टी बांधी हुई है दोस्तों। बताइएगा जरूर अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन भी सिर्फ नाम मात्र है दोस्तों, यूएनएससी में भी नाम मात्र ही चलता है। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी के लिए इतना मेहनत और समय लगा करके ये खबरें हम लेकर आते हैं दोस्तों, तो एक लाइक करके हमारे मेहनत को सफल जरूर कर दीजिएगा। बात करने अगली खबर की तो सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग देता था ये व्यक्ति, तालिबान ने बना दिया इसको भी मंत्री। जी हाँ दोस्तों, बता दें तालिबान के कैबिनेट में एक ऐसे ही शख्स की चर्चा हो रही है जो सुसाइड बॉम्बर यानी आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने का ट्रेनिंग सेंटर चलाता था दोस्तों, और अब उसको डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया है दोस्तों। इस शख्स का नाम ताज मीर जवाद है। तालिबान के मिलिट्री सेटअप का एक अहम सदस्य ताज मीर माना जाता है दोस्तों। ऐसे में जितने भी आतंकवादी में सबसे टॉप पर है दोस्तों, उन सबको चुना गया है। बात करें अगली खबर की तो भारतीय केंद्र सरकार ने बड़े रक्षा समझौते को दे दी है मंजूरी। वायुसेना के लिए खरीदेंगे 56 C-295 MW विमान। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दे डाली है दोस्तों। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर स्पेन से 16 विमान फ्लाईवे स्थित में वितरित किए जाएंगे दोस्तों, और 10 वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में 40 विमानों का निर्माण किया जाएगा। ये आप सभी को जानना बेहद जरूरी था दोस्तों कि हमारी सरकार डिफेंस पर कितना काम कर रही है। और ऐसे में सभी 56 विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किए जाएंगे, और ये कार्यक्रम भारत के एरोस्पेस पारिस्थितिक तंत्र में रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, और इससे प्रत्यक्ष रूप से 600 अत्यधिक कुशल रोजगार, 3000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और अतिरिक्त 3000 मध्यम कौशल रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। और ये सभी 56 विमान स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किए जाएंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों इस समझौते की मंजूरी को लेकर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो अशरफ गनी ने बताया क्यों और कैसे अफगानिस्तान से भागे, साथ ही पैसे ले जाने के आरोप को गलत बताया है दोस्तों और जांच करवाने के लिए तैयार हूं, ऐसा कहा है इनकी तरफ से। पूर्व अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अपनी बात रखी है दोस्तों। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपना बयान रखा है। उन्होंने कहा है कि मैंने सुरक्षा बलों के कहने के बाद
काबुल छोड़ा, मुझे बताया गया कि अगर मैं काबुल नहीं छोड़ता हूँ तो एक बार फिर 1990 जैसे हालात हो सकते हैं। काबुल छोड़ना मेरे जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन मेरा मानना है कि लाखों लोगों को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने 20 साल से अधिक से अफगानिस्तान में लोकतंत्र के लिए काम किया है। मैं कभी काबुल नहीं छोड़ना चाहता था। ये वक्त मेरे अफगानिस्तान छोड़े जाने के लंबे मूल्यांकन का नहीं है। मैं भविष्य में इस बारे में और विस्तार से बात करूंगा। आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों अशरफ गनी का, कितना बड़ा ट्वीट इन्होंने किया है दोस्तों इस स्टेटमेंट को अटैच करते हुए। जी हाँ दोस्तों, अशरफ गनी ने आगे कहा है कि मुझे निराधार आरोपों का जवाब देना है। मुझ पर आरोप लगाए गए हैं कि मैं काबुल से निकलते वक्त आम लोगों के करोड़ों रुपए लेकर निकला हूँ। ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। भ्रष्टाचार से लड़ना राष्ट्रपति के तौर पर मेरा प्रमुख मकसद रहा है। मैंने और मेरी पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित कर दी है। मैं अपने बयानों की सत्यता को साबित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस या किसी और स्वतंत्र निकाय के तहत आधिकारिक ऑडिट या जांच का स्वागत करता हूँ। क्या कहेंगे ऐसे में दोस्तों आप लोग अशरफ गनी के इस बयान को लेकर, बताइएगा जरूर। कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहे हैं दोस्तों या फिर सच बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो जो बाइडन ने कहा कि तालिबान के जरिए अपना हित साधने की कोशिश में है चाइना, हमारी नजर बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने चीन और तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक पत्रकार ने जब जो बाइडन से पूछा कि क्या आप चिंतित हैं कि तालिबान को चीन से फंडिंग मिलेगी, इस पर जो बाइडन ने कहा कि तालिबान से चीन को दिक्कत है तो चीन तालिबान के साथ सामंजस्य बिठाने में लगा है, जैसा कि पाकिस्तान, रूस और ईरान कर रहे हैं। हम सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे अब वे लोग क्या करने वाले हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और उसके 7 सहयोगी देश ने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व में रखे गए अफगानिस्तान के पैसों की तालिबान की निकासी पर रोक लगाने पर सहमति जताई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरह, जहाँ पर अफगानिस्तान में तालिबान के समानांतर सरकार बनाने का ऐलान। बोले अहमद मसूद, कहा मौजूदा सरकार वैध नहीं है, अवैध है, उनके बराबर हम भी अपनी सरकार बनाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की केयर टेकर सरकार बन गई है दोस्तों। अब तालिबान विरोधी गुट ने मौजूदा सरकार को अवैध करार दिया है और एक समानांतर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ विद्रोही गुट का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने तालिबान के समानांतर सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। विद्रोही गुट की तरफ से कहा गया है कि हम यहाँ एक वैध और ट्रांजिशनल प्रजातांत्रिक सरकार बनाएंगे। ये वैध सरकार लोगों के मत से बनेगी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा स्वीकार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेंट फ्रंट की तरफ से कहा गया है कि तालिबान की अवैध सरकार अफगानिस्तान के लोगों के लिए कतई ठीक नहीं है और इससे यहाँ अस्थिरता आएगी। ये अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे पहले अहमद मसूद ने अपना एक वीडियो भी जारी किया था और इस वीडियो में उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों से तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कहा था दोस्तों। ऐसे में देखना ये होगा दोस्तों कि ये बात सुनते ही तालिबान क्या एक्शन लेता है पंजशीर पे, क्योंकि पंजशीर ने कहा है कि मैं अपनी सरकार बनाऊंगा और सरकार मेरी खुद की नहीं अफगानी लोगों के वोट से बनेगी। जी हाँ दोस्तों, और पूरे विश्व को स्वीकार करना होगा हमारी सरकार को, ना कि उस तालिबानियों के अवैध सरकार को। क्या कहेंगे ऐसे में दोस्तों, आप लोग क्या विचार है आपके बताइएगा जरूर। और दोस्तों इसी प्रकार के लेटेस्ट खबर सुनने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो इमरान खान से उलट पाकिस्तानी लोग बोले, तालिबान की सरकार आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी को देगा बढ़ावा, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बता दे पाकिस्तान के लगातार मिल रहे समर्थन के बाद तालिबान न केवल अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब रहा बल्कि पाकिस्तान जैसी सरकार चाहता था वैसी ही सरकार का ऐलान भी वहां किया गया है दोस्तों। ऐसे में हैरानी की बात दोस्तों यह है कि पाकिस्तान के ही करीब आधे से ज्यादा लोग अपनी सरकार से एकदम उलट सोच रखते हैं दोस्तों। एक सर्वे में पता चला है कि करीब आधे पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आतंकवाद को बढ़ावा देगी, इसीलिए हमें स्वीकार नहीं है। अगर इमरान खान को स्वीकार है तो उनको स्वीकार सही, लेकिन हमें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानी
जनता की राय को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर, क्योंकि हैं तो वो भी आम नागरिक ही, कहीं ना कहीं उनका भी शोषण दोस्तों पाकिस्तानी इमरान खान द्वारा भी किया जा रहा होगा। क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो तालिबानी ज्ञान से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर नए शिक्षा मंत्री ने PhD और मास्टर डिग्री को बताया है बेकार, कहा हमें इनके बिना ही मिल गई है इतनी बड़ी कामयाबी, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा। बता दें कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में दोस्तों तालिबानियों की सरकार बनी, उसमें एक शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है दोस्तों, और इसी बीच सरकार गठन के साथ ही तालिबानी फरमान भी आने शुरू हो गए, जिसमें नए शिक्षा मंत्री नूरुल्लाह मुनीर का विवादित बयान सामने आया है दोस्तों, जिसमें मुनीर ने कहा है कि आज के वक्त में PhD या किसी दूसरी मास्टर डिग्री का कोई फायदा नहीं है। मुनीर ने कहा है कि हम लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हम सरकार चला रहे हैं, ऐसे में आज के वक्त में किसी भी तरह की PhD या मास्टर डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, बिना पढ़े भी युवा इस प्रकार के पद को हासिल कर सकती है दोस्तों। ऐसे आप देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट उनका ये इशारा है दोस्तों कि आप खून खराबा करिए, बंदूक हाथों में लीजिए और सरकार अपनी चलाइए दोस्तों। ऐसे में शिक्षा मंत्री का यही शिक्षा रहने वाला है अफगानी नागरिकों और बच्चों के लिए दोस्तों, ऐसे में उनकी जिंदगी तो इन्होंने नर्क आज से ही बना दी है दोस्तों। क्या कहेंगे ऐसे में आप लोग ऐसे शिक्षा मंत्री को लेकर, जिसको बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है दोस्तों, कहना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की तो इसराइल ने हमास के ठिकानों पर बरसाए हैं बम, जेल से फलस्तीनी कैदियों के भागने की खुशी में गाजा से भेजे गए थे आग वाले गुब्बारे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो साउथ चाइना सी को लेकर ट्विटर पर भिड़े अमेरिका और चाइना, US नेवी बोली आपके वजूद से पहले हम आजादी के पक्षधर हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तहरीके तालिबान की धमकी के बाद पाकिस्तानी पत्रकार खौफ में है दोस्तों, इमरान सरकार से मांगी सुरक्षा। बता दें तहरीके तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान के पत्रकारों को धमकी दी थी कि वो तालिबान के खिलाफ बोलने से बचें, अब तालिबान की इस धमकी के बाद पत्रकारों में खौफ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है दोस्तों, और पाकिस्तान में इस संगठन ने पनाह ले रखा है। TTP के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक बयान जारी करके कहा था कि पत्रकार उनके लिए आतंकवादी संगठन शब्द का इस्तेमाल ना करें। TTP की इस धमकी के बाद दहशत में आए पत्रकारों ने इमरान खान सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सांप को पालोगे तो एक ना एक दिन तुमको भी काटेगा ही दोस्तों, वही स्थिति अगर इसकी यानी इमरान खान की हो रही है तो बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो तालिबान की तारीफ में चीन ने पढ़े कसीदे, बोला अंतरिम सरकार ने अराजकता खत्म कर दी है, अब व्यवस्था होगी बहाल। जी हाँ दोस्तों, यानी साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे चाइना कितना ज्यादा दोस्तों क्यूरियस है ये सुनने का कि तालिबानियों की सरकार होनी चाहिए थी, अब वो पूरे तरीके से दोस्तों इन तालिबानियों को आतंकवाद के रूप में जरूर इस्तेमाल करेगा दोस्तों। क्या कहेंगे आप लोग, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो विराट कोहली के मुरीद हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, बोले क्रिकेट को उनके जैसे कैरेक्टर की है जरूरत। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ओवल टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड की 12वीं आर्मी की तरफ ट्रम्पलेट सेलिब्रेशन किया था दोस्तों। विराट के इस तरह के जश्न मनाने को लेकर क्रिकेट बिरादरी में लोगों की अलग अलग राय है, और ऐसे में ही पूर्व कप्तान इंग्लैंड के माइकल वॉन को विराट कोहली के जश्न के इस तरीके पर कुछ भी गलत नहीं दिखता। उनका मानना है कि कोहली इन तरीकों से खेल को रोमांचक बनाते हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कोहली जैसे क्रिकेटरों की अभी भी क्रिकेट टीम में बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग इनके कमेंट को लेकर, और विराट कोहली के बारे में आपकी क्या राय होती है दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बड़ी ही दुखद और भयानक खबर आ रही है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 120 यात्रियों से भरी दो नावों की टक्कर में कई लापता हो गए दोस्तों, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जताया है दुख। बता दे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना का मामला सामने आया है। जोरहाट जिले में नीमती घाट के पास यात्रियों से भरी दो नावों में जबरदस्त टक्कर हुई है दोस्तों। इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। SDRF और NDRF के जवान रेस्क्यू में जुट गए हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक दोनों नावों में करीब 120 यात्री सवार थे। एक नाव माजुली से नीमती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी। दोनों के बीच आमने सामने से टक्कर हुई थी, जिसके बाद नाव पलट गई। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भी दुख जताते हुए ट्वीट किया है। दोस्तों आप देख पा रहे हो उन्होंने कहा कि असम में नाव दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूँ, यात्रियों को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, मैं सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी उनके जिंदगी की प्रार्थना करते हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा ताकि आपकी बात भी मोदी जी के सपोर्टर में उतर जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी RTI के दायरे में है दोस्तों, जहाँ सूचना देने से अगर इनकार किया तो रद्द हो सकती है स्कूलों की मान्यता। बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों उन सभी परिवारों के लिए जिनको प्राइवेट स्कूलों से जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। दोस्तों बता दें प्राइवेट स्कूल भी RTI के दायरे में आ गए हैं। दोस्तों इस बाबत राज्य सूचना आयोग यानी SIC ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल RTI के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकते, अगर स्कूल सूचना देने में आनाकानी करते हैं तो मान्यता रद्द हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो करनाल प्रशासन के साथ किसानों की 3 घंटे चली मीटिंग फेल हो गई है दोस्तों, जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा धरना जारी रहेगा। बता दे हरियाणा के करनाल में धरना दे रहे किसानों की स्थानीय प्रशासन के साथ करीब 3 घंटे चली मीटिंग असफल रही है। दोस्तों इस मीटिंग में किसानों ने SDM आयुष सिन्हा को बर्खास्त किए जाने की मांग की है, लेकिन प्रशासन किसानों की इस मांग पर राजी नहीं हुआ है, जिसका नतीजा रहा कि मीटिंग फेल रही है। दोस्तों क्या कहेंगे इसे मैं आप लोग बताइएगा जरूर। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, बड़ा गिफ्ट, रबी फसलों के लिए बढ़ाई MSP, टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेंगे 10,683 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये नहले पे दहला है। बता दे यूपी चुनाव से पहले MSP बढ़ाना राकेश टिकैत के प्लान की हवा निकालने के लिए तो नहीं किया गया है। दोस्तों आपको बता दें भाजपा स्ट्रेटजी मेकिंग में दिखा चुकी है कि वो कच्ची गोटियां नहीं खेलती है। दोस्तों मुजफ्फरनगर रैली के महज 3 दिन बाद उसने नहले पर दहला चल दिया है। किसानों की कमी किसी भी तरह नाराजगी को दूर करने के लिए उसने गेहूं और सरसों सहित 6 रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों सरकार ने बुधवार को चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का MSP 40 रुपए बढ़ाकर 2,015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा सरसों का MSP 400 रुपए से बढ़ाकर 5,050 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। दोस्तों अब इससे बड़ा फायदा किसान को क्या हो सकता है। दोस्तों ऐसे में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के प्लान की बहुत बड़ी हवा निकलने वाली है। दोस्तों क्या कहते हैं ऐसे में आप लोग और केंद्र सरकार के इस एक्शन पर आप खुश हैं या नाराज बताइएगा जरूर दोस्तों, और क्या कर सकती है केंद्र सरकार ऐसे में बताना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर भवानीपुर उपचुनाव से जुड़ी खबर, जहां ममता के खिलाफ माकपा ने श्री जीव विश्वास को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए वाम मोर्चे ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की मुखिया ममता बनर्जी भी इसी सीट से मैदान में है दोस्तों, और उनको ये बड़ा झटका भी लग सकता है क्योंकि उनका ये अंतिम परीक्षा ही है। दोस्तों क्या लगता है ममता बनर्जी जीत पाएगी वहां से या फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों अपने इसी सुझाव के साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।